अब तक तो आपको बजट की बड़ी अनाउंसमेंट्स के बारे में पता चल ही गया होगा बट हर बड़ी अनाउंसमेंट के पीछे फाइन प्रिंट इस वीडियो में हम हेडलाइन से हटकर आपको बताएंगे कि बजट में होने वाले चेंजेस का आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा हेलो एंड वेलकम टू इटी मनी हिंदी ये वीडियो दो ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइडेड है बजट आपको कैसे अफेक्ट करेगा और इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंच सके तो आइए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं बजट एंड यू बजट प्रोविजंस पर नजर डालें जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करते हैं नंबर वन चेंज इन स्लैब रेट्स इन द न्यू टैक्स रजीम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि न्यू टैक्स रजीम काफी हिट रहा है फाइनेंशियल ईयर के लिए अब तक अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग टू थर्ड से ज्यादा लोगों ने न्यू पर्सनल टैक्स रजीम को ऑप्ट किया है फाइनेंशियल ट्वेंटी फाइव के यूनियन बजट में न्यू रजीम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए टैक्स स्लैब्स को रिवाइज किया गया है

टैक्स कैलकुलेशन करते समय आप अपनी टैक्सेबल इनकम से इस अमाउंट को सीधा घटा सकते हैं टैक्स स्लैब्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंजेस के चलते न्यू रजीम को चुनने वाले इंप्लॉयज को टैक्स में साढ़े सत्रह हजार रुपए तक की सेविंग होगी इस बदलाव के बाद ये रीअसेस करने का समय आ गया है कि क्या ओल्ड टैक्स रजीम अभी भी आपके लिए नए रजीम से ज्यादा बेनिफिशियल है न्यू टैक्स रिजीम में एक और चेंज है जो पेंशनर्स के लिए बेनिफिशियल है फैमिली पेंशन पर डिडक्शन पंद्रह हजार रुपए से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपए कर दी गई है आइए अब देखें कि बजट ने आपके लिए टैक्सेशन को कैसे बदल दिया है एट प्रेजेंट इक्विटी डेट रियल एस्टेट और गोल्ड के लिए टैक्सेशन डिफरेंट है इस बजट में गवर्नमेंट ने इनमें से कुछ को रैशनलाइज किया है फिलहाल टैक्सेशन कैसे काम करता है ये समझने के लिए आइए म्यूचुअल फंड्स का फंडल लेते हैं जब आप इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट्स को विद इन वन ईयर सेल करते हैं तो प्रॉफिट पर 15 परसेंट टैक्स लगता है इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स कहा जाता है लेकिन अगर आप इन्हें एक साल के बाद सेल करते हैं तो आपको एक लाख रुपए से ज्यादा के गेंस पर 10 परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पे करना होता है डेड गोल्ड और इंटरनेशनल फंड्स जैसी कुछ कैटेगरीज में प्रॉफिट इन्वेस्टर्स की इनकम में जोड़ा जाता है और उनके स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनमें कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया है फिर बैलेंस हाइब्रिड फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स जैसी दूसरी कैटेगरीज हैं अगर आप विद इन ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो प्रॉफिट आपकी इनकम में जुड़ जाता है लेकिन तीन साल बाद टैक्सेशन बीस हो जाता है इस केस में एक एडेड बेनिफिट है इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गेंस को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे टैक्सेशन कम हो जाता है इस बजट के बाद इनमें चेंज आएगा ज्यादातर फाइनेंशियल एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस साढ़े बारह परसेंट होगा और शॉर्ट टर्म गेन्स को इन्वेस्टर्स इनकम में जोड़ा जाएगा गवर्नमेंट इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी खत्म कर रही है इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू एडजस्ट गेन्स फॉर इन्फ्लेशन इसलिए चेंज रियल एस्टेट फिजिकल गोल्ड डिजिटल गोल्ड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेट्रा जैसे एसेट्स पर मिलने वाले गेन्स पर अप्लाई होता है ये मल्टी एसेट बैलेंस हाइब्रिड और गोल्ड फंड जैसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी पर भी एप्लीकेबल है यहाँ दो एक्सेप्शन भी हैं आइए वन बाय वन उन्हें डिस्कस करें पहला है डायरेक्ट स्टॉक्स और एक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाला प्रॉफिट यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पंद्रह से बढ़ाकर बीस कर दिया गया है जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को दस से बढ़ाकर साढ़े कर दिया गया है दूसरा एक्सेप्शन डेट फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स है इनसे होने वाला प्रॉफिट इन्वेस्टर के इनकम में जोड़ा जाएगा चाहे इन्वेस्टमेंट पीरियड कुछ भी हो इस बीच बायबैक से होने वाले प्रॉफिट को रेसिपिएंट के लिए टैक्सेबल बना दिया गया है अभी तक वो टैक्स फ्री थे क्योंकि कंपनीज बायबैक करने पर टैक्स पे करती हैं इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी को मौजूदा 0.0125% और 0.0625% से बढ़ाकर रिस्पेक्टिवली 0.02 परसेंट और 0.1 परसेंट कर दिया गया है इसलिए अब एफ एन ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग ज्यादा एक्सपेंसिव होने जा रही है माना जा रहा है कि इस कदम का एम रिस्की एफ एन ओ सेगमेंट में एक्टिविटी को कम करना है जो बढ़ते हुए मार्केट के बीच इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा था आइए अब बात करते हैं एनपीएस में कुछ हुए चेंजेस की पहला नए टैक्स रोजीम में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अंडरटेकिंग्स के लिए एनपीएस में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन को 10 परसेंट से बढ़ाकर चौदह परसेंट कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि अगर आप न्यू टैक्स रोजीम ऑप्ट करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके एनपीएस अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो आपके लिए टैक्स सेविंग ज्यादा होगी दूसरा एनपीएस वत्सल इस प्लान में माइनर्स के लिए पेरेंट्स और गार्जियंस की ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा मिच्योरिटी पर इस एनपीएस अकाउंट को नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है आइए अब देखें कि बजट का गोल्ड और सिल्वर पर क्या इंपैक्ट हुआ गोल्ड और सिल्वर खरीदना अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा क्योंकि उन पर कस्टम्स ड्यूटी पंद्रह परसेंट से घटाकर छ परसेंट कर दी गई है यह नौ परसेंटेज पॉइंट का बड़ा रिडक्शन है गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करते टाइम कस्टम ड्यूटी पे की जाती है इसीलिए इसमें रिडक्शन से गोल्ड और सिल्वर खरीदना सस्ता हो जाएगा इवन प्लैटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी को 15.4 परसेंट से घटाकर 6.4 परसेंट कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा गवर्नमेंट की कोशिश टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने की है इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 को थोरली रिव्यू किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्सेस के रीअसेसमेंट से रिलेटेड रूल्स में भी रिलैक्सेशन दिया है गोइंग अहेड असेसमेंट ईयर के एंड से तीन साल के बाद टैक्स असेसमेंट को तभी रिओपन किया जाएगा अगर एस्केप्ड इनकम 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है यह असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद मैक्सिमम 5 साल के पीरियड तक वैलिड होगा यहाँ तक कि सर्च केसेस में भी सर्च के साल से पहले छह साल की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी जबकि एग्जिस्टिंग टाइम लिमिट दस साल है तो ये कुछ की अनाउंसमेंट्स थी जो एज एन टैक्स पेयर आपको अफेक्ट कर सकती हैं। आइए अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं और कुछ की इकोनॉमिक नंबर और डेटा को देखते हैं जो आपको इंडियन इकोनॉमी की एक बड़ी पिक्चर दिखाने में हेल्प करेंगे बजट में एक इंपॉर्टेंट नंबर फिजिकल डेफिजिट है फाइनेंशियल टारगेट रखा गया है पिछले कुछ सालों में फिजिकल सीक्वेंशियली कम हुआ है जो इकॉनॉमी की एक शो है। 25 के लिए, के अलावा टोटल रिसीट थर्टी वन पॉइंट थ्री लाख करोड़ एस्टिमेटेड है इस बीच टोटल एक्सपेंडिचर फोर्टी लाख करोड़ रहने की उम्मीद है कोर इन्फ्लेशन 3.1 परसेंट है इसमें फूड और फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है एक और की फिगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपीस का आउटले है जो जीडीपी का 3.4 है फाइनेंशियल ईयर 25 के दूसरे मेजर एक्सपेंडिचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आइए अब बजट के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पर ब्रीफली डिस्कशन करते हैं इस साल के बजट की थीम था एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग एम एंड मिडिल क्लास फाइनेंशियल ट्वेंटी फाइव के लिए एडुकेशन एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए वन लाख करोड़ रुपीज का प्रोविजन किया गया है इन सेक्शंस के अराउंड कई अनाउंसमेंट्स किए गए हैं सबसे पहले इंप्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए तीन स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं दिस इंक्लूड स्कीम ए ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए है स्कीम बी इसका टारगेट मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन है और स्कीम सी ये इम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने का काम करेगी दूसरा स्किलिंग के लिए साढ़े सात लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा विद अ गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड थर्ड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए दस लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा फोर्थ एक करोड़ यूथ को पांच साल में टॉप पांच सौ कंपनी में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम शुरू की जाएगी फिफ्थ अंडर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 पॉइंट दस लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज की हाउसिंग नीड्स को पूरा किया जाएगा इसके अलावा बेहतर अवेलेबिलिटी के साथ एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट्स के लिए पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी एनफोर्स की जाएंगी बजट में सभी के लिए एम्पल ऑपर्चुनिटीज क्रिएट करने के एम से नौ प्रायोरिटीज को भी आउटलाइन किया गया तो ये थी बजट की कुछ की अनाउंसमेंट्स डू लेटर्स नो कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आप बजट को किस तरह रेट करेंगे हम एक डिटेल वीडियो की प्लानिंग भी कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि आप बजट प्रोविजंस का फायदा कैसे उठा सकते हैं इसलिए हमारे साथ बने रहें We'll be back soon. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.